रुसो चतुर तत्वित विभुद प्राज्ञ ज्ञानी रुसो रुसो हि विदुषी स्त्रिया कुशल पंडिता हि रुसो रुसो महीपति यति भजगतापसी हि रुसो नादत्त गुरु साई मामजवरी मधी रुसो। ओम साई राम, जय साई राम। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि आप जो भी सभी मेरे साथ प्रार्थना करेंगे या जिन जिन के नाम आए हुए हैं आज की प्रार्थना में, आप सबकी प्रॉब्लम्स बाबा ज़रूर सॉल्व कर देंगे और जो प्रार्थना करेंगे मेरे साथ वो बाबा उनके ऊपर अपना आशीर्वाद ज़रूर बरसाएंगे, क्योंकि इस वक्त सायंकाल आरती भी हो रही है और साथ ही हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये एक इत्तेफाक है कि हम साथ ही बाबा की आरती के साथ ही प्रार्थना कर रहे हैं और ये एक तरह से ब्लेसिंग्स होती हैं जब ये इत्तेफाक या कोइंसिडेंस कह लीजिए। तो ये बहुत ही शुभ है कि जो भी आज प्रार्थना अटेंड करेंगे या जिनके नाम आए हुए उनके साथ कुछ ना कुछ बाबा की लीला अवश्य ही होने वाली है या होगी। तो ये ज़रूर मान के दृढ़ विश्वास करके आज बाबा की प्रार्थना ज़रूर अटेंड करिएगा। हे साईं बाबा, जिन जिनके भी नाम आए हुए हैं आज की प्रार्थना में उन सब की प्रार्थना स्वीकार करिएगा और जिन जिनकी भी मनोकामना पूरी नहीं हुई है बाबा उनकी पुकार सुनिएगा, उनकी प्रार्थना स्वीकार करिएगा, उनको अपना आशीष बनाकर रखिएगा बाबा उनके ऊपर और उनके परिवार पर। और जो भी कष्ट चल रहे हैं उनके जीवन में सारे कष्ट मिट जाएं, सभी का जीवन खुशहाल करिए बाबा। यही मैं आपसे प्रार्थना करने जा रही हूँ, यही मेरी अरदास है देवा। सबका जीवन सुखद हो, किसी के जीवन में कोई कमी ना रहे, कोई भी परिवार ऐसा ना हो कि किसी भी चीज़ के लिए वो तरसे। ये बाबा से मेरी अर्जी है, यही बाबा के चरणों में मेरी अरदास है। तो चलिए आइए नाम लेते हैं जिन जिनके नाम आए हुए हैं बाबा के चरणों में। और देखिए, एक तरफ आरती चल रही है बाबा की और एक तरफ आपके लिए अरदास की जा रही है, तो विश्वास करिएगा ये ज़रूर चमत्कार से कम नहीं है और ये आपकी अर्जी ज़रूर स्वीकार होगी। ये मेरा मानना है, ये विश्वास है मेरा दृढ़ अपने बाबा पर, तो आप भी ऐसा ही विश्वास रखिएगा। तो सबसे पहला जो नाम है वो है राजा राजपूत जी का, दीपक जी, आहिर जी, संगीता जी और मुकेश जी और भल्ला राव जी। सेकेंड नाम है पद्मा देवी जी का। थर्ड नाम है अमित जी और पूजा जी। फोर्थ नाम है पूनम मलिक जी, जो कि अपनी मदर के लिए प्रार्थना करा रहे हैं कि बाबा उनकी मदर को स्वस्थ कीजिए, ठीक ठाक करिए, बिल्कुल बाबा आपका आशीर्वाद बना रहे उन पर। फिफ्थ नाम है सुषमा दहल जी, जो कि अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं बाबा। सिक्स्थ नाम है शुभम पैतनायक जी का, जो कि दिलीप जी, शुभम जी और स्वयं जी के लिए प्रार्थना हो रही है यहाँ पर। सेवेंथ नाम है विभा वर्मा जी का। एट्थ नाम है रिंकी जी, रानी जी, स्वाति जी विद ऑल फैमिली मेम्बर्स। नाइन्थ नाम है लिपिका बेहरा जी। टेंथ नाम है राधिका श्याम राजपूत राज जी। इलेवेंथ नाम है निरुपमा जी विद फैमिली। ट्वेल्थ नाम है काजल जी। थर्टीन्थ नाम है स्वरूप रानी डोले जी। फोर्टीन्थ नाम है चांद बाला जी, जो कि अनकम्मा राव जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हैदराबाद से हैं बाबा, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं बाबा, उनकी हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करिएगा। फिफ्टीन्थ नाम है स्नेह आशीष जी, जो कि उड़ीसा से हैं। सिक्सटीन्थ नाम है सुरेंद्र नाथ पात्रा जी, जो कि अपने बेटे के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। साईनाथ, उनका बेटा बहुत परेशान चल रहा है, उनको मार्गदर्शन कराइए बाबा। सेवनटीन्थ नाम है संजय जैन जी विद फैमिली दिल्ली से हैं। 18th नाम है पूनम यादव जी। 19th नाम है रमनदीप कौर जी, उनकी आंखों में प्रॉब्लम चल रही है देवा, ठीक करिएगा। 20th नाम है पारुल तमाकू वाला जी, जो कि अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करा रहे हैं, जिनका नाम तेजस है, जो कि अपनी जॉब के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं बाबा। उनके जीवन में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं वो ठीक करिएगा बाबा। 21 नेम है मीनू सुनोवर जी, जो कि नेपाल से हैं बाबा। 22 नेम है अनोखी गुप्ता बिहार से, पढ़ाई के लिए प्रार्थना करें, उनको स्टडी में हेल्प करिए बाबा जी। और 23rd नेम है दक्षुता दुबे जी। 24th नेम है पपलू फ्रॉम ओडिशा। 25th नेम है सारिका वाघ जी महाराष्ट्र से। 26th नेम है रोहित कुमार जी और आंचल शर्मा जी। 27th नेम है संभावी दुबे जी। 28th नेम है नंदा गौतम जी, विशाखा जी, सूरज जी शिलोंग से। 29th नेम है संदीप कुमार यादव जी।
हे साईनाथ, आपके श्री चरणों में यही मेरी प्रार्थना है। जो भी जिसकी जो भी मनोकामना है वो पूरी करने की कृपा करिएगा बाबा। आपके ही दरबार में हम आते हैं और कोई दरबार हमें नहीं मालूम बाबा। आपका ही आशीर्वाद हम सब बच्चों पर बना रहे। हमारा छोटा सा परिवार साईं, आ जाओ एक बार हम सब पर अपनी कृपा बरसाने। आ जाओ ना बाबा एक बार हम सब पर अपनी कृपा बरसाने, अपनी दया दृष्टि करने आ जाओ बाबा। बाबा आप तो सबकी बिगड़ी बनाते हो, इस बार क्यों देर लगा रहे हो साईनाथ? सबकी बिगड़ी बना जाओ, सबकी इच्छा पूरी कर दो बाबा, सबकी मनोकामना पूरी कर दो। तो चलिए आइए बाबा से अरदास करते हैं। सभी बाबा का ध्यान लगाते हुए, बाबा के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए अरदास करने जाएंगे। तो सभी मिलकर करेंगे, हाथ जोड़कर आंखें बंद कर अरदास करते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं तुम ही हो पितुमात। विश्वों में मैं लीन हूं पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूं राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखन हारे साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, देवा हमारे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए आइए बाबा के अनमोल 11 वचन पढ़ते हैं। पूरे भाव के साथ पढ़ेंगे, पूरा समझ के साथ पढ़ेंगे, समझने की कोशिश भी करिएगा एक एक पंक्ति बाबा के वचनों की। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़ी समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण न खाली जाए हो कोई तो मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ साई मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा, आओ सहायता लो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया जिसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे नान्य। बाबा आओ साई आओ, बाबा आओ साई आओ। बाबा आपकी रक्षा करने ज़रूर आएंगे, आपके कष्ट हरने आएंगे, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करने आएंगे। बाबा पर विश्वास ज़रूर बनाकर रखिएगा, अपने विश्वास को अपनी श्रद्धा को कभी भी डामाडोल बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा, क्योंकि जिस क्षण आपका विश्वास आपकी श्रद्धा डगमगाई वही क्षण होता है जहाँ पर आपकी खुशियाँ जीवन में दस्तक देती हैं, आपकी मनोकामना जो है वो पूरी होने वाली होती है। तो जीवन के इन दुखों को देख के कभी भी घबराइएगा मत, क्योंकि ये जो समय है वो भी व्यतीत हो जाएगा, ये भी बीत जाएगा। जैसे सुख की घड़ी साथ नहीं रहती वैसी दुख की घड़ी भी आपके साथ नहीं रहने वाली। अच्छा समय भी ज़रूर आएगा, एक समय जो है वो चक्र की तरह है, तो आपका समय अच्छा भी आएगा, अगर अच्छा है तो बुरा भी आएगा। तो हर इंसान को दोनों ही फेस करने पड़ते हैं, अच्छा बुरा समय। तो हिम्मत मत हारिएगा, बाबा पर विश्वास रखिएगा, बाबा का नाम स्मरण दोनों ही समय करते रहिएगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तो बाबा अपने आप ही आपकी नैया पार लगा देते हैं। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, मैं बाबा से अरदास करती हूँ, और यही मेरी बाबा से दुआ है कि आप सबकी जो दुआ है वो कबूल हो जाए। ओम साईं राम, जय साईं राम।